यही मैं अपनी बात को समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद। माननीय सस्मित पात्रा जी। महोदय, मैं मेरी पार्टी बीजू जनता दल और मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की तरफ से इस विधेयक का समर्थन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज एक खुशी का समय है जब छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाई बहनों को उनका हक मिल रहा है। उनका जो ट्राइबल स्टेटस था उसको इस अमेंडमेंट के द्वारा, इस विधेयक के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर मैं आज इस अवसर पे यह भी कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के लगभग 169 ऐसे संप्रदाय हैं, 169 कम्युनिटीज, माननीय मंत्री जी को अवगत है, जो कि आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अपना हक मिलेगा। ये 169 कम्युनिटीज को उड़ीसा के एसटी लिस्ट में संयुक्त होने का अवसर मिलेगा। इसलिए कई मुहिम छिड़ी गई हैं, कई कोशिशें करी गई हैं, और मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने भी कई बार इस पर जोर दिया है, चिट्ठियां लिखी हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी आज जब छत्तीसगढ़ को अपना न्याय दे रहे हैं तो बहुत जल्द इसी सदन में 1970 से जो लंबित हैं, 169 कम्युनिटीज शेड्यूल ट्राइब स्टेटस में इंक्लूड होने के लिए, उसके लिए भी कार्य करेंगे। उसके साथ आज बड़े खुशी का दिन है, अवसर है हमारे लिए कि 8 शेड्यूल में हो मुंडारी और भूमिज भाषाओं को भी सम्मिलित करने का। हम लोगों को पता है कि संथाली भाषा जो है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी जो भाषा बोलती हैं, उनका नेटिव लैंग्वेज है, वो आज 8 शेड्यूल में अंतर्भुक्त है। वैसे ही उड़ीसा में हो मुंडारी और भूमिज भाषाओं को इसमें 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने की आवश्यकता है। मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने बार बार जोर दिया है, हम आशा करते हैं माननीय मंत्री जी इस पर गौर करेंगे। माननीय, जब आदिवासियों के विकास के बारे में चर्चा हो रही है, मैं एक विषय रखना चाहता हूं जो है केंदू पत्ते के ऊपर 18% जीएसटी लागू किया जाना। केंदू पत्ते, लगभग 10 लाख आदिवासी महिलाएं उड़ीसा में केंदू पत्तों को लेके अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी करते हैं। 18% जीएसटी उनके ऊपर लागू करने की वजह से वही आदिवासी बहनों के ऊपर जिस तरह का प्रहार होता है, क्या यह समय नहीं है कि जीएसटी काउंसिल इस पर गौर करे और माननीय केंद्र सरकार ये 18% जीएसटी हमारे आदिवासी बहनों के ऊपर से हटा ले केंदू पत्ते के लिए। उड़ीसा के लिए, पश्चिम उड़ीसा और दक्षिण उड़ीसा में मान्यवर कई आदिवासी भाई बहने हमारे हैं जिनको कि आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना से वो वंचित है। लगभग 7 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अभी भी लंबित है जो कि उड़ीसा को मिलना चाहिए। मैं आशा करता हूं, हालांकि ये ट्राइबल अफेयर्स माननीय मंत्री जी का नहीं है, बट क्योंकि सर्वांगीण विकास की जब हम चर्चा करते हैं, उस सर्वांगीण विकास में सिर्फ उनको अधिकार देने से नहीं होगा, उनको घर देने से होगा, उनको रोजगार देने से होगा। आखिर में एक ही विषय कहूंगा माननीय, आज एक गौरवशाली दिन है जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी, उड़ीसा की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो अपना कार्यकाल का 1 साल संपन्न कर रही हैं। आज वो अपने जन्म स्थान उड़ीसा राज्य में है, 3 दिन के दौरे पे हैं, और मैं नमन करता हूं। साथ ही मैं एक गुजारिश करूंगा केंद्र सरकार से कि महिला संरक्षण बिल को आप पारित करिए। जैसे आप चाहते हैं कि इस देश के जो नेतृत्व है वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ले, एक आदिवासी बेटी ले, उड़ीसा की बेटी ले, देश की बेटी ले, क्या हम ये नहीं चाहते कि ऐसे कई आदिवासी बहनें हमारी इस सदन में आए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के पारित होने से, 50% संरक्षण मिलने से। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर भी ध्यान दे, और विशेषकर जो उड़ीसा के 169 कम्युनिटीज एसटी लिस्ट में संयुक्त होने के लिए आज भी अपेक्षा में है, आज भी उनकी आंखों में आशा है, उस आशा को
वो खुशी में तब्दील करें, यही मेरा आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश सिन्हा जी।